30 मेयर भाजपा के एक चेहरा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनके चेहरों पर भाजपा को पता है वोट मांगेंगे तो लोग उल्टा उन्हें इलाकों से दौड़ाना शुरू करेंगे। निकम्मे नकारा भ्रष्ट निकले भाजपा की 15 साल की ये नगर निगम की सरकार। एक चेहरा आप इस्तेमाल करने लायक नहीं है आपका, एक भी मेयर जिसके चेहरे पर आप वोट मांगे 15 साल के नगर निगम में। क्या क्या चेहरा देश के प्रधानमंत्री का लगाया जा रहा है वोट? ये जो फ्लैट्स हैं ये किसके हैं? नगर निगम ने बनाए नहीं, ये फ्लैट केंद्र सरकार के अधीन आने वाली डीडीए के हैं। डीडीए ने आज नहीं, 2008 में कांग्रेस की सरकार थी, 2008 में कांग्रेस की सरकार थी, 10,000 फ्लैट दिल्ली के जो 3 लाख के करीब हमारी झुग्गी और स्लम में गरीब बसता है, उन 3 लाख झुग्गियों में रहने वाले 20 लाख लोगों के लिए केंद्र की उस समय की कांग्रेस सरकार ने डीडीए ने 10,000 फ्लैट बनाए। प्रधानमंत्री जी 2008 का फ्लैट 2013 में बनना शुरू हुआ, 2016 में चाबी मिलनी थी। चाबी कब देते हैं प्रधानमंत्री जी डीडीए की? बीच चुनाव में, नगर निगम के चुनाव से मात्र 2 दिन पहले 10 नवंबर 2022 को कहते हैं हमने 3,024 लोगों को चाबी दे दी। हम पूछना चाहते हैं 7,000 फ्लैट की चाबी क्यों नहीं दी जा रही? और ये केंद्र का काम है, कांग्रेस के समय का काम है। चेहरा प्रधानमंत्री जी का होगा, फ्लैट डीडीए के दिखाकर नगर निगम में भाजपा अपना वचन पत्र, ये वचन पत्र नहीं है, ये धोखा पत्र है। हम दिल्ली के लगभग 90 सीटें नगर निगम की ऐसी हैं, 90 सीटें जहां झुग्गी और स्लम के लोगों को भाजपा के इस धोखे में हम आने नहीं देंगे। दूसरी बात, हम मांग करते हैं सिर्फ डीडीए द्वारा बनाए गए कांग्रेस के समय के 10,000 फ्लैट ही नहीं, हम तुरंत आपको कहते हैं, श्रीमती शीला दीक्षित जी अब हमारे बीच में नहीं है, राजीव रतन आवास के तहत दिल्ली की सरकार ने 45,000 के करीब इन गरीबों के लिए फ्लैट बनाए। 45,000 फ्लैट्स बनकर सब तैयार है। पूछना चाहते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री और भाजपा से, क्यों आप इन गरीबों का हक मार कर बैठे हैं? क्यों इन्हें इनका हक आप नहीं देते हैं? शीला दीक्षित जी के समय में 100 रुपए की पर्ची भरकर इन सब ने एक सपना सुजोया था, आवेदन किया था कि हमें फ्लैट मिलेगा। आज शीला जी नहीं है, वो 100 रुपए की पर्ची आज रिकॉर्ड में है, आज उनका हक है। और उसमें से मैं आपको बताऊंगी, कुल आवेदन शीला दीक्षित जी ने जब ये 45-46 हजार फ्लैट के लिए एप्लीकेशन मंगाई, 100 रुपए की पर्ची भरकर 2,74,000 या 2,75,000 लोगों ने आवेदन किया इन फ्लैट के लिए। शहरी गरीबों ने लगभग 19,000 के करीब और स्लम में बिल्कुल बसने वालों ने 43,000 लोगों ने आवेदन भरा। कुल आवेदन आए 2,75,000, फ्लैट हमारे पास बने लगभग 46,000, तैयार है, चाबी नहीं मिली है। और इसमें भरने वालों में सबसे ज्यादा लगभग 60,000 दलित परिवारों से आते थे, गरीब दलित परिवार वालों ने इस फ्लैट का हक मांगा था। यह दलित विरोधी सरकार है जो उनके हक से उनको वंचित रख रही है। यह आवेदन जो 60,000 के करीब दलित परिवारों ने किया था, हम तुरंत मांग करते हैं इनका हक इन्हें दिया जाए। अब और बड़ी विडंबना क्या है, 8/4/2021 को, 8 अप्रैल 2021 को केंद्र सरकार मीटिंग कॉल करती है, दिल्ली के मुख्यमंत्री उस मीटिंग में जाते हैं और इस बात पे फैसला होता है जिसका लेटर मैं लेकर आपके लिए आई हूं। ये दिल्ली वालों को ना आम आदमी पार्टी केजरीवाल आप बताएंगे, ना केंद्र की भाजपा बताएगी कि आपका क्या समझौता हुआ इस मीटिंग के अंदर, जिसका कांग्रेस पुरजोर विरोध करती है। और मैं दिल्ली के 3 लाख बस्तियों में बसने वाले 20 लाख
लोगों को कहूंगी विरोध करिए इसका, ये है क्या। हमने कहा हम गरीब के लिए मकान बनाएंगे और उसे उसका मालिकाना हक देंगे। भाजपा और आम आदमी पार्टी का कहना है कि नहीं, हम मालिकाना हक नहीं देंगे, हम इन्हें किराएदार बनाकर बिठाएंगे, किराए पर देंगे इन गरीबों को ये मकान। यानी कि मालिक जिसका हक है, मालिक ही अपने मकान में किराएदार बनाने जा रहे हैं आप, और उससे किराया वसूलेंगे आप। 2020 कोरोना महामारी के बीच में हमारा गरीब मजदूर झुग्गी स्लम में बसने वाला बेरोजगारी की वजह से मकान का किराया देने के लिए पैसा नहीं था। हमने तब भी केंद्र सरकार दिल्ली सरकार को कहा कि जितने भी गरीब किराएदार हैं, किराया भरने को पैसा नहीं है। उस समय भी दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते रहे हम किराया माफ करेंगे, एक महीने का किराया हम देंगे। अरे आपने फ्लैट क्यों नहीं दिया जो बंद कर तैयार थे, इनके थे। 2020 में चाहते आपकी नियत होती तो 10,000 डीडीए कांग्रेस के समय के बने फ्लैट, 45-40 हजार के करीब दिल्ली सरकार द्वारा बने फ्लैट जो बिल्कुल तैयार खड़े थे, आपकी नियत होती तो इन सभी गरीबों को जो किराए पर थे, बेरोजगार हो गए, किराया देने के लिए पैसा नहीं था, आप इनको इनका मालिकाना हक दे सकते थे। लेकिन एक किराएदार से बचे तो दूसरा बड़ा किरायादार, सत्ता में बैठा किराया लेने वाला मालिक, एक मालिक बन बैठा है दिल्ली का मुख्यमंत्री और एक बन बैठी है केंद्र की भाजपा सरकार। दोनों कहते हैं मालिक हम हैं, हम आपको मालिक नहीं मान रहे, हम आपको किराएदार बिठाएंगे और आपसे हर महीना पैसा लेंगे। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कतई भी मंजूर नहीं है, हम ऐसा कतई होने नहीं देंगे। इन मकानों पर दिल्ली के गरीबों का, मजदूरों का, हमारे दलित परिवार से आने वाले लोगों का पहला हक है। हम मालिकों को किराएदार नहीं बनने देंगे। हम भाजपा की इस वचन पत्र को धोखा पत्र करार देते हैं। पूरी तरह हम विश्वास दिलाते हैं दिल्ली के झुग्गी और स्लम में बसने वाले, वो सब जानते हैं कि शीला दीक्षित जी के समय में 100-100 रुपए की पर्ची उनसे हमने 2008 में भरवाई। 2013 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ, 3 साल में निर्माण कार्य पूरा होना था, 2016 में चाबी मालिकों को मिलनी थी, लेकिन आपने 8 साल की देरी की और 2022 आ गया। इस 2022 में भी आप क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किराएदार बिठा रहे हैं, मालिकाना हक नहीं देंगे आप। मैं हर गरीब झुग्गी स्लम में बसने वाले जो आज भी अपने सपने को, घर, एक घर हो सपनों का, उसको साकार करने के लिए आज भी हैं, मैं उनको भरोसा दिलाती हूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नगर निगम के चुनाव जीतते ही ये जो लड़ाई है उन्हें मिलकर लड़ेंगे और एक एक फ्लैट में दिल्ली के जो गरीब मजदूर लोग हैं उनको हम बसाने के लिए वचनबद्ध हैं। मैं हर एक से निवेदन करूंगी कि इनके झांसे में मत आइए। फिर एक फॉर्म जारी किया है नगर निगम में, यहाँ प्रधानमंत्री जी का चेहरा, यहाँ पर केंद्र के कांग्रेस के समय बने फ्लैट, और फिर वचन पत्र कि ये भरेंगे तो फ्लैट मिलेगा। मैं साफ कह देना चाहती हूँ अपने दिल्ली के झुग्गी बस्ती में बसने वाले गरीब मजदूर को, मत भरिएगा ये फार्म, इससे आपको फ्लैट नहीं मिलेगा। ये साइन करते ही भाजपा इसका इस्तेमाल ऐसे करेगी कि आपने जहां बसे हुए उसे छोड़ने का हस्ताक्षर किया है, फ्लैट नहीं मिलेगा। लेकिन साइन करते ही जहां आप बसे हुए हैं, जहां पर आपकी झुग्गी है, मकान है, वहां से आपको बेदखल करके उखाड़ दिया जाएगा। हमने मकान बनाते हुए इन दोनों सरकारों को पिछले 8 साल में नहीं देखा, हमने गरीब को बसाते हुए इनको पिछले 1 दशक में नहीं देखा, लेकिन बुलडोजर चलाते हुए गरीबों के झुग्गियों में, बस्तों में आग लगने के बाद उनको रात ना देते हुए हमने जरूर देखा है। तो मैं पूरी दिल्ली के लोगों को कहूंगी भाजपा और आम आदमी के इस धोखे में बिल्कुल मत आइएगा। आपको किसी तरह का कोई भी फार्म नया भरने की कोई जरूरत नहीं है। 2008 या उससे पहले आपने जो भी फार्म भरे हैं वही कानूनी वैध हैं, और वही लड़ाई अगर हमें कानूनी तौर पे भी लड़नी पड़ी, हम आपको आपके मकान का हक, मालिकाना हक
ये आपको किराएदार बिठाना चाहते हैं, मालिक को किराएदार बनाकर बिठाना चाहते हैं, हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि हम आने वाले समय में भी, मुझे पूरा भरोसा है, आज कांग्रेस हो, देश हो, दिल्ली हो, एक चुनौती भरे समय से गुजर रहा है। हम इन चुनौतियों को सब मिलकर पार करेंगे और एक बार फिर से हरी भरी स्वच्छ दिल्ली, साफ सुथरी दिल्ली, कांग्रेस के समय की चमकती दिल्ली, शीला दीक्षित जी की दिल्ली बनाने का हम एक बार फिर वचन लेते हैं और हम मिलकर, सब मिलकर इसे साकार करेंगे, ये मेरा पूरा तरह से विश्वास है। अब मैं पत्रकार साथियों के कोई सवाल हो तो उसको आमंत्रित करती हूँ। बिल्कुल, देखिए पत्रकार साथी, ये हमसे हर जगह पूछा जाता है कांग्रेस कहाँ है, कांग्रेस दिख नहीं रही, कांग्रेस विलुप्त हो रही है। उन लोगों को श्री राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा, उसमें उड़ता उमड़ता जनसैलाब, मुद्दों पर जो वो राजनीति कर रहे हैं वो भी नहीं दिख रहा है। मैं आपसे सहमत हूँ, एक तरफ भाजपा है, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी है, धन बल सत्ता पैसा सबका इस्तेमाल किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के तो दो विधायक एंटी करप्शन ब्रांच ने उनके रिश्तेदारों को सरेआम टिकट बेचते पैसे लेते हुए पकड़ा है। आज की अखबारों में, दिल्ली की जब मैंने सुबह सुबह की अखबारें उठाई, टीवी खोजा, कहीं कोई खबर ही नहीं है। सत्ता और धन बल के दम पर करोड़ों विज्ञापनों के नीचे ये जो सच्चाई है आम आदमी पार्टी और उनके नेताओं की, वो दबकर दफन हो गई है। सो मैंने ये कहा, ये चुनौती हमारे साथ आप जैसे पत्रकार साथियों के बीच में भी जो यहाँ बैठे हुए हैं, कि इनके झूठ, इनके फरेब, इनके भ्रष्टाचार के सामने आपकी कलम जो है वो कैसे चलती रहे और वो दिखे भी। सो मैं मानती हूँ कांग्रेस के पास चुनौती है, धन बल जो जिस तरीके का दोनों सत्ता के पास है हम उसके मुकाबले में नहीं है, पर हमारी हर सीट पर हमारा कांग्रेस का समर्पित कार्यकर्ता पूरी ताकत लगा रहा है और जनता के मुद्दों को उठा रहा है। अगला 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 सवाल आपती हूँ, और कोई सवाल आप पत्रकार साथियों का, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जो हिम्मत रख रहे हैं, जो किसी विज्ञापन के करोड़ों के लालचों में नहीं है, सरकार से कोई फायदा उनको शायद नहीं मिल रहा हो, लेकिन जो साथी यहाँ पर आए हैं मैं उनका तहे दिल से स्वागत और धन्यवाद करती हूँ।